हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, सुबह का टाइम है और सुबह सुबह हमने जो है कि खाना वाना बना लिया है। किशन का टिफिन भी तैयार हो गया है, किशन गया स्कूल। और इधर देखिए, सब्जी चावल रोटी हमारा बन गया है और इधर अभी दाल पक रहा है और इधर मैं दूध खौला रही हूँ। और दोस्तों, दूध में जो मलाई होती है हम लोग निकाल कर रख देते हैं, एक हफ्ते के करीब हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मलाई निकाल कर रखे हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ जो है कि ठंडी के मौसम में मतलब मलाई वाला दूध नहीं पीते हैं, ऐसे ही हम लोग मलाई निकाल कर रख देते हैं। तो इसका हम लोग मक्खन निकालते हैं। आइए दोस्तों, बताते हैं कि मक्खन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, ये हम जो है कि 7 दिन का ये मलाई है, इसको कटोरी में रखे हैं। अब हम इसको एक बड़े भगुने में, देखिए यहाँ पर भगुना लिए हैं, इसमें पलटते हैं और ये देख रहे हैं दोस्तों, मिक्स करने वाला इसी से जो है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम एक भगुना लिए हैं और इस भगुने में ये जो मलाई है इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरी मलाई हम निकाल दिए हैं। अब हम इसको जो है कि एक भी डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते हैं, घुमा कर इसको जो है कि मिक्स करेंगे बढ़िया से। तो बस ऐसे ही जो है कि लगभग 5 मिनट के करीब तक करेंगे ताकि ये बढ़िया से जो है कि एकदम स्मूथ हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये बढ़िया से स्मूथ एकदम कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मलाई थी ये ऊपर की तरफ आ गया है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये पूरी हमारी मलाई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देसी मक्खन निकाल लिए हैं। अब हम इसको रखते हैं गैस पे ताकि बढ़िया से घी निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ा दिए हैं और गैस को ऑन कर दिए हैं। ये देखिए, अब ये जो है कि मक्खन घी बनने जा रहा है। देखिए धीरे धीरे पिघल रहा है। तो बस दोस्तों, 10 मिनट में ये बढ़िया से घी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा मक्खन हमारा पिघल गया है। इसको हम बीच बीच में हल्का हल्का चलाते रहेंगे किनारे किनारे से। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ये जो है कि घी बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आधी कटोरी से ज़्यादा जो है कि घी निकला हुआ है। लगभग 200 ग्राम के करीब ये घी है। एक हफ्ते के मलाई से हमने जो है कि इतना घी निकाली हुई है। तो अभी देखिए दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 4:30 और हमारे यहाँ देखिए दोस्तों, शाम की तैयारी हो रही है। यहाँ पर देखिए, मम्मी हमारी जो है कि सब्जी लहा रही हैं। आज मतलब रात में जो बनेगा वो सब सब्जी अभी यहाँ पर तैयार कर रही हैं। और आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने खेतों का नज़ारा। हालांकि सुबह में दोस्तों मैं शूट करके और बीच में कोई भी शूट नहीं की, तो मैं वीडियो एडिट करने जा रही थी। तो देखी, बहुत छोटा वीडियो था तो मैं सोची थोड़ा सा खेतों का नज़ारा दिखा दूँ ताकि वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए और आप लोग भी मेरे खेत में थोड़ा सा हरा भरा देख लें। तो देखिए, अभी हमारे खेत में दोस्तों ये गोभी तैयार है और यहाँ पर देखिए ये गोभी हमारा फूल रहा है और इसमें से हम लोग जो है कि काट काट कर खा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया दोस्तों हो गया है हमारे खेतों का नज़ारा इस समय, और खेतों में हमारी सब्जियां जो है कि निकलने भी लगी हैं। इधर देखिए दोस्तों, बीन्स लगाया गया है। ये बीन्स है पूरा, और ये देखिए कितना बढ़िया फला हुआ है दोस्तों, बहुत बढ़िया फला हुआ है। और इधर प्याज लगाया गया है, ये देखिए प्याज को भरा गया है।
और इधर भी बीन्स लगाया गया है, बीन्स जो है कि फल रहे हैं काफ़ी बढ़िया। इधर कद्दू लगाया गया है, मटर है, मटर में फूल आने लगे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों इस समय खेतों का नज़ारा। और ठंडी बढ़ गई है दोस्तों हमारे यहाँ। और इधर देखिए मूली भी हमारे खेत में तैयार है, तो ठंडी में मूली खाने का बहुत कम मन करता है। और इधर लहसुन देखिए इतना बढ़िया हो गए हैं लहसुन के पत्ते, और ये मूली जो है कि काफ़ी मोटे मोटे हैं। तो ऐसे तो इस टाइम दोस्तों कच्चा मूली तो नहीं खाते हैं, अक्सर इसकी रेसिपी ही बना कर खाते हैं। और आइए दिखाते हैं आप लोगों को चुकंदर दोस्तों। इधर चुकंदर भी हमारे खेत में तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और इधर बैंगन भी लगाया गया है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो गया है दोस्तों हमारे खेतों का। और आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों हमारा खेत, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।